बॉलीवुड में दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई एक्ट्रेस रही हो जिसने करियर के पहले साल में ही 12 फिल्में की और सारी फिल्में जबरदस्त हिट साबित हुई। इनका नाम आते ही ऐसी दीवानगी और सात समंदर जैसे सुपरहिट गाने भी याद आ जाते हैं। दिव्या का नाम इंडस्ट्री की उन अदाकारों की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही दुनिया की हर वो शोहरत हासिल कर ली थी जिसे कमाने के लिए लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं। उन्नीस साल की कम उम्र में ही वो चल बसी और उनकी मौत की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई। दिव्या की अचानक हुई मौत के पीछे कई अटकलें लगाई गईं। कईयों ने इसे आत्महत्या बताया, कुछ ने एक्सीडेंट तो कुछ ने दिव्या के पति साजिद को जिम्मेदार बताया। उनकी मौत के पीछे एक वजह ये बताई गई कि साजिद के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने की बात से दिव्या परेशान रहती थी। उनकी माँ के साथ भी उनकी अनबन रहती थी। साजिद से परेशान होकर ही दिव्या ने मौत को गले लगा लिया था। दिव्या के मौत के बाद कई सालों तक पुलिस ने तहकीकात की लेकिन फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और 1998 में दिव्या का ये केस बंद कर दिया गया। ये कहते हैं कि ये एक हादसा था लेकिन क्या हुआ उस रात, कैसे हुई दिव्या की मौत और मौत से चंद घंटों पहले तक दिव्या इतनी खुश क्यों थी, ये आज हम आपको बताते हैं। दरअसल अपनी मौत वाले दिन ही दिव्या ने मुंबई में ही अपने लिए 4 BHK का नया फ्लैट खरीदा था और डील फाइनल की थी। वो चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी और उन्हें अगले शूट के लिए हैदराबाद रवाना होना था। हालांकि नए अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने हैदराबाद वाले शूट को पोस्टपोन कर दिया था। उस दिन दिव्या के पैर में चोट लगी थी जिसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बता दिया था। वहीं शूटिंग कैंसिल करने के बाद दिव्या के पास डिजाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला का फोन आया और उन्होंने नीता के साथ मिलकर अपनी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम को फाइनल करने के लिए नीता को अपने वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट में बुला लिया। रात के करीब 10 बजे होंगे जब नीता लुल्ला अपने पति के साथ दिव्या से मिलने आई थी। तीनों लिविंग रूम में बैठे बात कर रहे थे और पार्टी कर रहे थे, साथ ही शराब भी पी रहे थे। इस दौरान दिव्या की मेड अमृता भी वहां मौजूद थी। बातचीत के बाद भी अमृता किचन में कुछ काम करने आ गई। नीता अपने पति के साथ टीवी देखने में व्यस्त थी। इसी बीच दिव्या उस कमरे की खिड़की की तरफ गई। दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी लेकिन वो खिड़की पर हवा खाने चली गई। उस खिड़की में ग्रिल नहीं थी, वहीं उस खिड़की के नीचे पार्किंग की जगह थी जहां हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती थी। लेकिन अफसोस जिस दिन दिव्या के साथ ये हादसा हुआ उस दिन वहां कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। वहीं खिड़की पर खड़ी दिव्या मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश कर रही थी कि तभी उनका पैर फिसल गया और दिव्या सीधे 5वें माले से नीचे जमीन पर जाकर गिरी। दिव्या की बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ थी लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। इसके बाद उन्हें तुरंत ही कूपर अस्पताल ले जाया गया लेकिन अफसोस तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ दिया। दिव्या की मौत के 5 साल तक उनके केस में इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन पुलिस को दिव्या के मौत के पीछे कोई ठेस वजह नहीं पता चली। नतीजन पुलिस ने रिपोर्ट में नशे में बालकनी से गिरने का ही कारण बताकर 1998 में दिव्या का केस बंद कर दिया। ये कुत्ती आज तक सुलझ नहीं पाई कि दिव्या की मौत हत्या थी या आत्महत्या। अगर वो दुखी थी तो उन्होंने अपने लिए घर क्यों खरीदा, ये राज अब दिव्या के साथ ही दफन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।